हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एन बॉली मीडिया में, जहां आपको मिलती है फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पत्नी के जीवन पर फिल्म बनने जा रही है। भोजपुरी सिनेमा की लकी गर्ल कहने जाने वाली अभिनेत्री स्मृति सिन्हा अब जल्द ही रावड़ी देवी का किरदार निभाती नजर आएगी। भोजपुरी में पहली बार ऐसा होगा जब किसी की बायोपिक फिल्म बनाई जाएगी। फिल्म मेकर्स इनकी शुरुआत लालू की पत्नी राबड़ी देवी से कर रहे हैं। राबड़ी देवी के जीवनी पर ये फिल्म बनेगी। उसका नाम खुद एक्ट्रेस ने बताया है कि जो कि है लालटेन। स्मृति ने खुलासा किया है कि इसकी शूटिंग भी पूरी की जा चुकी है। लॉकडाउन की वजह से इसे रिलीज नहीं किया जा रहा है। स्मृति ईरानी ने हाल ही में फेसबुक पर लाइव आई थी और इसी दौरान इस फिल्म से जुड़ी जानकारियां भी दर्शकों से शेयर की। उन्होंने कहा कि वो राबड़ी देवी की भूमिका निभाकर खुश हैं और जल्द ही इस फिल्म को पर्दे पर देखना चाहती हैं। राबड़ी देवी की भूमिका में ढलने के लिए स्मृति को काफी तैयारी भी करनी पड़ी थी। वो कहती है कि राबड़ी जी का अपना एक अलग ही स्टाइल है। उनके बोलने का ढंग भी उन सबसे जुदा है। वो मुख्यमंत्री भी रही, उनका रोल चुनौतीपूर्ण था। जैसे ही ये रोल उन्हें ऑफर हुआ, वो खुशी से फूली नहीं समाई, क्योंकि उनका मानना है कि कुछ अलग और चैलेंजिंग करना जीवन का मकसद होना चाहिए। अभिनेत्री स्मृति इस फिल्म को पूरी तरह से पारिवारिक फिल्मों में बताती हैं। उन्होंने कहा कि मूवी काफी जबरदस्त बनी है, इसे पूरी फैमिली एक साथ बैठकर देख सकती है। उनका किरदार इस फिल्म में काफी अहम है। इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है। वो चाहती है कि इसे जल्द से जल्द रिलीज किया जाए और मूवी को ऐसा ही प्यार मिले जैसे उनकी पुरानी फिल्मों को मिलता रहा है। लॉकडाउन के बाद उनकी दो फिल्में रिलीज होने वाली है, पहली लालटेन और दूसरी पवन सिंह के साथ है। इसके अलावा भी कई सारे स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सारे काम बंद पड़े हैं। वेल दोस्तों, आप स्मृति ईरानी को इस रोल में देखने के लिए कितने उत्साहित हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।